तो चलो गाइस यार, 3 बज चुके हैं, छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, चलते हैं जल्दी से सिंचैन को लेने चलते हैं भाई स्कूल में। और उसने बोला था कि सुमित भैया गाड़ी लेके आना, क्योंकि यार वो अपनी दोस्तों को दिखाना चाहता है कि हमारे पास कितनी मस्त गाड़ी है। चलो भाई सब, अबे एक सेकेंड, सिंचैन मेरे को मिलने वाला था यहीं पर भारी खड़ा, पर है तो यहीं नहीं यहाँ पर। एक सेकेंड जाके यार पप्पू सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं, ये मेरा दोस्त है। और पप्पू क्या हाल है? हाँ सुमित माँ बढ़िया, तू बता। अरे सिंचैन कहाँ पर है? अरे सिंचैन, अरे वो तो गया। कहाँ गया? अरे हाँ याद आया, वो तो असल में वो बड़ा कॉलेज है ना, बड़े बच्चों वाला, उसमें गया है। अबे यार वो वहाँ पर क्यों गया है यार? उसको मना कर रखा है यार मैंने। अरे पता नहीं, कोई लोग उसको छुटकू छुटकू करके चिढ़ा रहे थे, शायद उनसे ही मिलने गया है। ओके चल ठीक है, और बता कैसे चल रहा काम धाम तेरा? अरे सब बढ़िया यार, जब से स्कूल में लगा वो मस्त यहाँ पर खड़ा रहता है और बढ़िया तनख्वाह मिलती है। चल शुक्रिया यार तेरा, ठीक है तो। हाँ तो ठीक है सी, ठीक है यार सुमित, मिलने आ जाया कर यार कभी कभी तू भी यार। अबे मिलने तो आया हूँ यार। अरे मतलब सिंचैन के लिए आया ना, वैसे नहीं आता ना मुझसे मिलने। चले काम करते, किसी वीकेंड पे पार्टी में चलते हैं, पता ना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से यार, ये असल में छोटे बच्चों का स्कूल और इस तरफ है बड़ों बच्चों का कॉलेज, ठीक है? अब यहाँ पर सिंचैन पता नहीं क्या करने गया होगा भाई, उसको मना कर रहा है कि बड़े बच्चों के पास मत जाया कर, तुम्हें पता है बड़े लोग यार शरारती होते और भाई पिटाई विटाई लगा देते छोटे बच्चों की। ओके देखते हो यहाँ पर है कहाँ पर। अबे तुम लोगों ने किसी ने सिंचैन को देखा है क्या? हम क्यों देखेंगे सिंचैन को? अरे वो वहाँ पिट रहा है। हैं कहाँ पिट रहा? अरे वहाँ पर। एक सेकंड जाके देखता हूँ भाई, पिटाई चल रही बताई सिंचैन की। अरे ये रहा सिंचैन। अबे सिंचैन क्या कर रहा है? अरे इसका छेड़ूंगी नहीं, बहुत दिन हो गए मेरे को छुटको छुटको बोलते हुए। अरे रुक जा अभी बताता हूँ तेरे को। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सुमित भैया ये देखो मेरे को छुटकू बोलता है डेली। अबे पागल है क्या तू? अरे सुमित भैया देख, अरे इसका छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसका बड़ा भाई, और तू मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को मार रहा है, एक रेपटे में सुला दिया ना। अरे सुमित भैया मजा आ गया, तुमने तो एक थप्पड़ में सुला दिया उसको। हाँ बात तो तेरी सही है। अरे सुमित भैया एक दो और मारो यार। एक सेकंड, सबसे पहले तो मैं तेरे मारूंगा। अरे सुमित भैया क्यों मेरे क्यों मारोगे? अबे पागल है क्या, तेरे को मना कर रखा ना ये ले। सुमित भैया नाक तोड़ दी मेरी छोटी सी, तेरे को मना कर रखा है ना मैंने कॉलेज की तरफ आने से। अरे गरीब तेरी इतनी हिम्मत। अरे एक सेकंड कौन है? हाँ सर क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को मारा। ये आपका बेटा था? हाँ तूने मेरे बेटे को मेरे सामने मारा, तेरी औकात क्या है भिखारी? अरे तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले? मैं लॉस सैंटोस का सबसे दिग्गज आदमी, सबसे करोड़पति आदमी हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। अरे सुमित भैया इसको और मारो ना। अरे आपका बेटा बदतमीजी कर रहा था। अच्छा तो मतलब तुम आके उसको पीटोगे? वो बच्चों बच्चों की लड़ाई है, तुम क्यों बीच में आए हो? अबे पर मेरा भाई तो छोटा है ना, आपका बेटा तो बड़ा है काफी, ये थोड़ी होता है। अरे जाओ यहाँ से, निकलो मेरे आगे से। अरे सिंचैन चल यार यहाँ से जल्दी सी। अरे सिमित इसको और तो मारो, पिटेकड़ा जल्दी आ जाने इस साइड, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। अरे सिमित भैया डरपोक भगिया है वहां से। अबे पागल है क्या, वो लॉस सैंटोस का बहुत महंगा आदमी लगता है मेरे को। अरे सिमित ये महंगा आदमी कौन होता है? अबे महंगा मींस कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा करोड़पति आदमी है वो। अरे तो सिमित भैया तुम डर के भगिया है मतलब? अबे डर के नहीं भगिया है यार, फालतू में केस वेस लग जाएंगे, और तेरे को मना कर रहा है कॉलेज साइड मत जाया कर। अरे सिमित भैया वो मेरे को गुट्टारी गुट्टारी बोलते है, कोई मतलब थोड़ी मेरी हाइट छोटी है तो मेरे को गुट्टा गुट्टा बोले। हाँ ठीक है एक सेकंड, अबे मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? अरे सिमित भाई ये ला, तुम तो गाड़ी भी नहीं लेके आए। अबे लाया था मैं गाड़ी, इससे पूछता हूँ। अरे पप्पू। अरे हाँ क्या हो गया? अबे मेरी गाड़ी कौन ले गया? अरे वो लोग ले गए कुछ आए थे जो। अरे यार लगता है वही लोग होंगे यार उस अमीर आदमी के। हाँ वही थे वही थे। अबे यार तुम रोका क्यों नहीं उनको? मैं कैसे रोक सकता हूँ यार, वो मेरे को निकलवा सकते हैं एक सेकंड के अंदर। चल ठीक है यार तू भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यार वो लोग बहुत करोड़पति आदमी है, तो यार हमारे दोस्त को भी एक सेकंड में जॉब से निकलवा सकते हैं। सुमित भैया हमारी गाड़ी लेके अब क्या करोगे? क्या करूंगा, एक काम कर, सबसे पहली बात तो तेरी वजह से ये सब हुआ है, वरना उसके बेटे को मैं कभी नहीं पीटता। हाँ सिंपेस में भी मेरी गलती है सारी की सारी। हाँ तेरी है, चल अब तू घर चला जा। ओ तेरी सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो गाइस यार सिंचैन को मैंने भेज दिया घर पर, और मैं आ चुका हूँ मेरी गाड़ी वापस लेने के लिए। लेनी क्या, मेरे को चुरानी पड़ेगी मेरी गाड़ी। और गाइस यार जो मेरी गाड़ी है ना, वो असल में एक बहुत ही बड़े मेंशन के अंदर, और ये मेंशन उसी बिलियनियर का है जो सुबह आया था, जिसके बेटे को हम लोगों ने पीटा था, और ये रहा वो घर जिसके अंदर हमें जाना है। और चलते हैं भाई सब, यार देख तो नहीं रहा कोई मेरे को, चारों तरफ देख लेता हूँ कोई है ही नहीं। चलो बढ़िया बात है। यार इतना बड़ा घर है पर सिक्योरिटी तो है ही नहीं। ओ ये भाई सब मेरे लिए, यहाँ पर गेट भी खुल चुका है। चलो अंदर चलते हैं जल्दी से हम लोग। और बेटे और ये देखो ब्लॉसम चेरी के ट्रीज लग रहे हैं यहाँ पर, कितने मस्त लग रहे हैं यार। चलो अब आराम आराम से चलता हूँ, और जाके भाई सब लगते हैं यहाँ पर कोई शादी वादी हो रही है यार, ऐसा ही लग रहा है। टेबल वेबल लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी। अब जल्दी से जाके मेरी गाड़ी ढूंढता हूँ यार, मतलब मेरी गाड़ी लेने का क्या मतलब था यार, लड़ाई हो गई ठीक है। ओए भाई साहब एक सेकंड, गाड़ी वो रही मेरी दिख गई मेरे को। ओ भाई
यहाँ पर तो काफी सारी गाड़ियां है यार, एक से एक गाड़ी है। चलो काम करता हूँ, जल्दी से अपनी वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ इससे पहले कि कोई आ जाए। ओए होए होए भाई साहब, यहाँ पर कितना मस्त सब कुछ। अरे कौन है तू, अंदर कैसे घुसा? अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, नया आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम है तेरा? मेरा काम एक्चुअली यहाँ पर गार्डन को थोड़ा साफ करना और गाड़ियों का साफ करने का काम है मेरा। अच्छा नया आये हो तुम? हाँ हाँ नया आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ चलो ठीक है भाई। हाँ चलो ठीक है, तुम करो काम अपना। ए बल्ली बल्ली शाबा शाबा। ओ बड़ा अजीब आदमी था यार। चलो गाइस यार अपनी गाड़ी लेता हूँ यार, एक सेकेंड। भाई यहाँ पर ये देखो पगानी, भाई ये तो बहुत ही महंगी गाड़ी है यार, कम से कम कितने करोड़ की, 25-30 करोड़ की गाड़ी है ये। और यहाँ पर ये खड़ी मेरी गाड़ी, और भाई ये इसकी फरारी, और उसके पास इतनी सारी गाड़ी है तो मेरी गाड़ी कैसे लेके आया? अगर मेरे को वो आदमी मिल गया जिसने बड़े मालिक के बेटे को मारा तो छोड़ूंगा नहीं मुझसे। एक सेकेंड, ये कौन है रे यहाँ पर? ओए कौन है रे तू, इन गाड़ियों के पास क्या कर रहा है? और तेरी ऐसी तैसी, ओए गाड़ियों के पास आना अलाउड नहीं। अरे तू तो वही है जिसने बड़े मालिक के बेटे को मारा, तेरी ऐसी तैसी, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। भाई 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 गोली मत मारियो, गोली मत मारियो। और रुक जा मालिक, जल्दी आओ यहाँ पर, ये देखो घुसपैठिया, घुसपैठिया हमारे घर में। अरे अरे क्या हो गया फालतू में चिल्ला रहे हो? अभी आ रहा हूँ, क्या हो गया? अरे मालिक ये देखे पकड़ लिया इसको। अरे ये तो वही आदमी है। अरे तूने तो मेरे बेटे को मारा था, ये ले बंदूक निकालता है, तेरी ऐसी तैसी थपोड़ा मारता हूँ तेरे मुंह पे, ये ले। अरे भाई माफ कर दीजिए, मेरे घर में चोरी छुपे घुसा है और मेरे बेटे को मारा, नहीं छेड़ूंगा मैं तेरे को, ये ले। बहुत बुरा मारा यार, अबे मैं ये कहां पर आ गया यार, लगता है मेरे को इतना बुरा मारा था कि मैं बेहोश ही हो गया यार। अबे मेरे को कहीं कचरे में फेंक के आ गए लोग। भाई ये तो बहुत ही गंदा हुआ, दर्द हो रहा पूरा शरीर। भाई बहुत गंदा मारा सही तुम्हारे भाई को यार, इतना गंदा तो कभी किसी ने नहीं मारा मेरे को। चलो यार पैर धो लेता हूँ थोड़े से, भाई दर्द हो रहा पूरा शरीर बुरी वाली तरह। गाइस यार मुझे मेरा बदला लेना पड़ेगा। भाई यार मैं तो मेरी गाड़ी लेने गया था ना वहां पर, और मैंने उसके बेटे को इतना बुरा भी नहीं मारा था जितना बुरा उसने मेरे को मारा। भाई कुत्ता बना दिया, मतलब कुत्ते को कोई भी इतना तेज नहीं मारेगा जितना उसने मेरे को मारा यार, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और भाई मैं मेरा बदला जरूर लूंगा, उसने सुमित को पीटा है ना, अब तुम्हारा भाई उसकी बैंड बजाएगा, बस तुम लोग देखना। उसका कुत्ता ना सुझा दिया मार मार के तो तुम भी बोलोगे हाँ भाई सुमित भाई तुमने कमाल कर दिया। अब चलो यार सबसे पहले मेरे को एक छोटा सा काम करना है, मेरे को जाके कुछ पैसे उधार मांगने यार, क्योंकि मेरे कपड़ों की बैंड बच चुकी है और मेरी भी बुरी वाली बैंड बच चुकी है। चलो थोड़े बहुत कपड़े खरीदता हूँ जाके और कुछ मरम पट्टी कराता हूँ। तो गाइस यार पैसे तो मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं आ चुका हूँ माइकल के पास। ओए माइकल अबे मेरी मदद कर दे यार। अरे अरे ये क्या सुमित, ये तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ मेरा दोस्त, अबे थोड़ा सामने तो आ जा यार, वहीं पर खड़ा खड़ा चिल्लाएगा क्या? अरे अरे आ जाओ तुम भगते भगते, अरे लगता हाथ पैर टूट गए। अरे अरे सुमित क्या हुआ रे, बहुत बुरा मारा है किसी ने तेरे को? अरे यार बस क्या ही बताऊं, वो एक लड़के को मारा था, उसका पापा बहुत बड़ा करोड़पति था, वो मेरी गाड़ी ले गया, मैं उसके घर में मेरी गाड़ी लेने गया तो उसने मेरे को पकड़ लिया और उसने मेरे को कुत्ते की तरह मारा। अरे अरे सुमित बहुत बुरा हाल मारा है यार तेरा तो। अबे यार मेरे को कुछ पैसे दे दे यार उधार, बाद में ले लियो यार, मेरे को असल में अपनी मरम पट्टी करानी है और ये कपड़े पूरे खूनम खून हो गए, नए कपड़े खरीदने यार, इन कपड़ों के अंदर तो नहीं जा सकता ना कहीं पर भी मैं। अरे सुमित क्यों नहीं यार, कितने पैसे चाहिए तुझे? अबे यार मेरे को लगभग 2.5-2 लाख रुपये दे देगा तो काम आ जाएगा यार, क्योंकि मेरे को बाकी काम भी है बहुत सारे। अरे सुमित कब तक दे देगा फिर? हाँ जल्दी दे दूंगा, दे दे यार अब जल्दी सी। हाँ हाँ क्यों नहीं काम कर, मेरा अकाउंट नंबर है तेरे पास, उसे यूज कर लियो। ओके चल ठीक है, सायोनारा 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 सायोनारा। चलो गाइज यार इसकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? भाभी जी को बोल दियो कि मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी। हाँ ठीक है ले जा तू गाड़ी। ओके अरे तेरी ऐसी तैसी, अरे ठोक तो मत यार, उसकी फेवरेट गाड़ी है ये। हाँ ठीक है चलो गाइस यार। अब भाई भाभी जी की गाड़ी से इतनी ज्यादा खतरनाक है यार। चलो भाई कोई बात नहीं, काफी पावर गाड़ी के अंदर, सबसे पहले जाके हम लोग करेंगे पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट। भाई साहब पुलिस में रिपोर्ट कराएगा तुम्हारा भाई, तुम्हें पता है जो सबसे पहले जाके रिपोर्ट कराता है ना पुलिस हमेशा उसकी सुनती है यार। तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके पुलिस स्टेशन, और गाइस यार मेरी बंदूक पता नहीं मेरी जेब में से बाहर क्यों निकल रही है। हेलो सर। आई सर आइए बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। अरे सर आपको तो बहुत गंदा मारा है किसी ने, बताइए किसने मारा है आप? अरे वो लॉस एंजेलिस का सबसे अमीर आदमी है ना, उसने मेरे को बहुत गंदा वाला मारा है। अरे सॉरी सर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे सर अब मेरा केस तो सुनिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, वो लॉस एंजेलिस का सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, और आपको पता है सरकार को जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है तो सरकार उसका कुछ नहीं करती, और हम सरकार के लिए तो काम करते हैं सर, तो हम आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे सर ऐसे मत
की जिसने मेरे को बहुत कुत्ता वाला मारा भाई, मतलब देख रहे हो कितने घाव हो चुके, ऐसे इतनी बुरी तरह कौन मारता है यार। अरे सर मैं समझ सकता हूँ, पर सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, तो आप और किसी की मदद लीजिए। अब और किसी की मदद, क्या खुद की कैसे मदद लूँ यार, पुलिस ही की तो मदद लेते हैं आज के जमाने में। कैसा कलयुग आ गया यार, पैसों वालों की मदद होती है और गरीब आदमी की मदद नहीं होती है। अरे सर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि उससे पंगा ना लीजिए। हाँ ठीक है चल, ज्यादा ज्ञान मत फेल। चलो यार अब क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बदला तो तुम्हारे भाई को लेना है ऐसे ना वैसे। अब मुझे पता है मेरे को मेरा बदला कैसे मिलेगा, बस तुम लोग देखते जाना अब तुम्हारा भाई क्या बैंड बजाने वाला, ऐसे नहीं था तो टेडी इंग्लिश घी निकलेगा। तो गाइस यार तुम्हारा भाई आ चुका है लॉस सैंटोस की खतरनाक गुंडों के पास, ये रे गैंग मेंबर्स, अब इनसे बात करता हूँ मैं। हेलो क्या हाल है? अरे भाई फिर दर्द होने लग गया हाथ पैर। आए क्या गंदा मारा रे इस आदमी को बेचारे को। ओए मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ, पैसे दूंगा बदले में काम करोगे? अरे पैसे देके तो काम होता है, बता क्या काम है रे? मेरा काम ये है, लॉस सैंटोस का जो सबसे अमीर आदमी है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बैंड बजा दो, ठीक है? उसको बंदी बना लो, उसके बाद मेरे पास कॉल करना, मैं आऊंगा, ठीक है? हाँ बॉस ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। हाँ हाँ पर बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अबे क्या बात कर रहा है बिड़ू, 10 लाख रुपए? हाँ 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरा काम किया तो। अभी तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूँ एडवांस में, काम पूरा होने के बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है तुम लोगों को? पर वो बंदा बचना नहीं चाहिए, उसने मेरा ये हाल बनाया और मैं चाहता हूँ तुम उसका हाल मुझसे भी ज्यादा बदतर करो। एक काम करो, मैं काम खुद कर लूंगा, जो भी उसका हाल बनाना होगा तुम लोग बस उसको बंदी बना लेना, उसके बाद तुम्हारे भाई के पास कॉल मिला देना, ठीक है? अरे हो जाएगा काम। राइट हैंड सुन लिया तूने, क्या करने? अरे मैं तो हमेशा सुनता हूँ सारी चीजें। हाँ तो तुम लोग तैयार हो जाओ उस अमीर सादे की बैंड बजाने के लिए, मैं तो मेरी उंगलियां कड़का लेता हूँ। अरे बॉस मैं तो ताली बजा लेता हूँ। अरे पागल आदमी ताली क्यों बजा रहा है यार। चलो गाइस यार अब मैं जाके मेरे कपड़े पहनता हूँ अच्छे वाले नए वाले, और एक अच्छी सी गाड़ी लेता हूँ यार, क्योंकि ये गाड़ी तो बड़ी टट्टी तुम्हारे भाई की पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती है, ठीक है? तो जाके भाई अपनी मरम पट्टी कराते हैं, क्योंकि यार अब तुम्हारे भाई के दिल को थोड़ी ठंडक मिल चुकी है, क्योंकि यार मेरे को मैंने जुगाड़ लगा दिया है कि कैसे मेरे को बदला लेना है, मेरी बेइज्जती का बदला लेना है यार मेरे को। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने 3 पीस लगा लिए खतरनाक वाले, लग रहा है तुम्हारा भाई जेंटलमैन, और तुम्हारे भाई ने एक नई गाड़ी खरीदी है, और ये देखो ये तुम्हारे भाई ने डायरेक्ट दुबई से मंगाई है क्योंकि ये दुबई पुलिस की गाड़ी। अब चलते हैं भाई साहब, कॉल मेरे पास आ चुकी है। ओहो बेटे माइकल का मैसेज आया, इसको पैसे दे दिए वापस मैंने। तो गाइस यार मैंने FD करा रखी थी, वो पैसे से मैंने इस माइकल की पैसे वापस कर दिए। आ जाओ तुम्हारा काम हो गया। आ रहा हूँ। तो गाइस यार उस गैंग मेंबर का भी फोन आ चुका है, उसने बताया कि पकड़ लिया है यार, मतलब उसकी भाई बैंड बजने वाली है भाई। और भाई मेरे हाथ में बहुत तेज खुजली हो रही है, थप्पड़े बजाऊंगा, उसने भाई मेरे को मारा था ना, अब उसको पता लगेगा कि स्मिथ से पंगा लेना किसे बोलते हैं। तो गाइस यार अब बस हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं, और तुम्हारे भाई की खतरनाक वाली दुबई कार तो तुम लोगों को पसंद आ ही रही होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके तो भाई सब फिर से हो गए गेट ओपन, पिछली बार मैं मेरी गाड़ी चुराने के लिए आया था, और अब की बार इनके रैप्टे बजाने आया हूँ मैं। ओए बेटे सबको पकड़ लिया है। अरे आ गया आ गया। हाँ भाई साहब अपनी गन निकालता हूँ, कौन सी से मारूँ? ये वाली भी नहीं, कौन सी? ये वाली अच्छी है। हाँ ये वाली गन एकदम बढ़िया है, एकदम पट्टी पट्टी कहेंगे। अरे ये तो वही है। ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने बोला था ना तूने बहुत बड़ा पंगा लिया है, तूने सुमित से पंगा लिया है, और ये सारे मेरे बंदे हैं। अरे मुझे माफ कर, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरी इज्जत सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है? तो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा सब बदला चाहिए। जो तूने मेरी कुत्ते वाली हालत की थी ना, बार बार बचाऊं मैं। मैंने बोला था ना इसको मार देना, पर तुम लोगों ने मारा नहीं। अरे बहुत हमें क्या पता होता है बच जाएगा। तेरी ऐसी तैसी, बहुत बोल रहा भूतनी के, दिख नहीं रहा सामने बंदूक लेके खड़ा हूँ। अरे माफ कर दो, प्लीज मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अरे तुमने हमारे बंदे को क्यों गोली मार दी? अरे गलती से लग गई, कोई बात नहीं, इनको टकाते हैं सबसे पहले हम लोग। एक और गया। अरे यार माफ कर, तो पैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को तुम्हारे। अब नहीं चाहिए ना हमें पैसे। और तू भी निकल। एक और गया यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, अब बचा है तू आखिरी। अरे माफ कर दो यार, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 2 करोड़ रुपए दूंगा मैं तुम्हें। मैंने उनको पहले खरीद लिया, और तू भी निकल यहाँ से। तो गाइस यार यहाँ पर सबको डिगा दिया। ओ शिट, मैंने गलती से मुंह पे मार दिया। हाय बॉस ये क्या कर रहा है? अबे रुक जाओ, मेरे को शायद तुम्हें भी मारने पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग मेरे को काम के नहीं लग रहे हो।
अरे क्या कर रहा पागल है क्या तुम मेरे बंदे को क्यों मार रहा है? अबे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। अबे क्या बात कर रहा है, तूने हमारे साथ स्कैम किया? हाँ तुम लोग भी तो स्कैम करने वाले थे, मेरे को पता है तुम लोग मुझे भी मार देते थोड़ी देर में। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैंने सभी गुंडों को मार दिया, साथ में यार जिससे मुझे बदला लेना था उसको भी मार दिया है, और अब ये तुम्हारे भाई की प्रॉपर्टी हो चुकी है सारी की सारी। बदला ले लिया तुम्हारे भाई ने अपना। तो गाइस यार अपना बदला हो चुका है पूरा, सिंचैन को लेके आएंगे और हम लोग अब इसी बंगलों के अंदर आएंगे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी एक छोटा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे से कोई नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी।